नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की है, जो कश्मीर तक जाएगी। 35 किलोमीटर की यात्रा में पार्टी के द्वारा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो उप यात्रा निकालकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। न राजधानी रांची कांग्रेस स्टेट हेडक्वार्टर से निकली यात्रा एक्का चौक होते हुए सर जी और वहां से शहीद स्थल पर आकर सभा में तब्दील हो गई है, जहां पार्टी के नेताओं ने इस यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना है। उन्होंने सभी विधायक और मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्र में इस यात्रा को लगातार चलाए जाने का आह्वान किया है। देखिए, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश में लोग शहादत जो हैं हंसते हंसते सूली पे चढ़ते हैं, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ा है। देश के बलिदानियों ने कुर्बानी किया है, और जिन लोगों के हाथों में इस देश की बागडोर है, ना उन्होंने इस देश में कुर्बानी की, ना उनका कोई इतिहास रहा। लेकिन आज वो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आज वो एक तरफ राम का महिमा मंडन करते हैं, दूसरे तरफ नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं। आप बताइए, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, राम राज की बात करते थे, हे राम कहते थे, और नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी तो उन्होंने अंतिम सांस हे राम करके प्राण को त्यागा था। लेकिन ये महिमा मंडन कर रहे हैं नाथूराम गोडसे का। लेकिन याद करिए, 1932 में जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, और गोल मेज सम्मेलन में जब राष्ट्रपिता गए तो दुनिया का सबसे बड़ा शासक जॉर्ज पंचम ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो आप जानते हैं कि आप राष्ट्रपति भवन जाते हैं, राजभवन जाते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मिलने की जब जॉर्ज पंचम ने इच्छा व्यक्त की तो कहा कि सूट बूट में आना होगा, मोदी जी टाइप का सूट बूट। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनके जब किले में गए तो अनंगन गए, तो वहाँ पर देखा तो उनके लोगों ने कहा कि महाराजा अनंग आए हैं। तो कहा मुस्कुराते हुए, कुछ हास्य करते हुए, अच्छा ले आओ। तो कहा महात्मा आप अनंग आए हैं, मैंने सुना था कि चर्चिल कहते थे कि आप अनंग रहते हो, लेकिन मैं पहली बार आपको अनंग देख रहा हूँ, क्या आपके पास कपड़े नहीं हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हंसते हुए उस शासक को कहा जो दुनिया का सबसे बड़ा शासक था, उसके किले में कहा, अरे मैं कपड़ा पहन सकता था लेकिन मेरे देश का कपड़ा तो चुरा के आप लोग ले आए हैं, इसलिए मैं कपड़ा नहीं पहन पा रहा हूँ। ये कलेजा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। सीने पर गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे का कलेजा नहीं था। एक तरफ नाथूराम गोडसे और दूसरे तरफ राम का नाम लेने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा चुरा कर अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं ये लोग, इसके विरोध में हैं। हम नफरत को प्रेम से जीतेंगे, हम नफरत के खिलाफ प्रेम का माहौल बनाएंगे, और हिंदू मुसलमान के लिए जान देगा, मुसलमान हिंदू के लिए देगा, और यह देश जो है विविधता में एकता का देश है, प्यार और विश्वास का देश है। यही संदेश लेके हम आगे बढ़ रहे हैं।